हेलो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसा हीरो की स्टोरी जो अपने कठिन परिश्रम की बदौलत इस मुकाम तक पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की, जो अपनी कठिन परिश्रम से एक बेहतरीन क्रिकेटर बन चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके महेंद्र सिंह धोनी, आप जिंदगी में आगे बनने के तमाम सबक सीख सकते हैं। क्रिकेट मैच की कठिन परिस्थिति में भी धोनी का शांत और ठंडे दिमाग के साथ डटे रहने की कला उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का सबसे सफल कप्तान बनाया। हाल ही में धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ खेली गई एक सीरीज के दूसरे वनडे मैच में भारत को जीत दिलाई। मैच भारतीय टीम के हाथ से निकल गया था, लेकिन धोनी की सूझबूझ भरी पारी ने उस मैच को श्रीलंका से वापस भारत के खेमे की तरफ ढकेल दिया। मैच में भुवनेश्वर कुमार ने भी अच्छे प्रदर्शन किया, हालांकि वो भी अपनी प्रदर्शन के पीछे धोनी का ही हाथ मानते हैं। धोनी की तरह आप भी अपने जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों के सामना डटकर कर सकते हैं, बस अपनी धैर्य होना चाहिए। आइए जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी के जीवन के बारे में, जहां वो एक साधारण गोलकीपर से सफलतम क्रिकेट कप्तान बने। महेंद्र सिंह धोनी का बचपन। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 रांची झारखंड में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई डीएवी जवाहर विद्या मंदिर से पूरी की थी। धोनी को फुटबॉल और बैडमिंटन में बेहद दिलचस्पी थी। एमएस धोनी का परिवार काफी आम था। उनके पिता पानसिंह मैकन कंपनी के लिए काम किया करते थे तथा माँ देवकी देवी एक गृहिणी थी। उनके बड़े भाई नरेंद्र सिंह धोनी एक राजनीतिज्ञ हैं और बहन जयंती गुप्ता अध्यापक हैं। एमएस धोनी अपनी फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे और जिला तथा राज्य स्तर पर खेलने के लिए सक्षम थे, लेकिन अपने फुटबॉल कोच के आग्रह पर उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। वनडे के कप्तान बने। 2007 में धोनी एक दिवसीय टीम में कप्तान बने और 2008 में टेस्ट टीम के कप्तान बनाए गए। 2009 में उन्होंने 14 पारियों में 1198 रन बनाए थे। ये 7.43 का औसत स्कोर ओडीआई मैच में साल का सर्वश्रेष्ठ स्कोर था। वर्ष 2008 से 2013 तक धोनी लगातार 6 वर्षों के लिए आईसीसी विश्व एक दिवसीय का हिस्सा रहे। 2008 में धोनी का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया जाने वाले सर्वोच्च खेलों पुरस्कार है। धोनी ने 2013 तक 15 से भी अधिक उत्पादों का विज्ञापन किया और फिर दुनिया के सबसे अधिक विपणन योग्य खिलाड़ी में से एक है। जून 2018 में वे दुनिया के 16वें सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बने और उस समय उनकी सालाना कमाई $13 मिलियन थी। धोनी विश्व के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक है और भारत के सबसे सफल कप्तानों में से भी एक है। कप्तान के रूप में धोनी ने भारत को 60 टेस्ट मैच में 27 टेस्ट मैच में जीत दिलाई है और 194 वनडे मैचों में से 107 में जीत हासिल करी है। उन्होंने 70 T20 मैचों की कप्तानी की और उनमें से 40 में जीत दर्ज की। 4 जनवरी 2017 को इंग्लैंड के खिलाफ एक दिवसीय और T20 मैच को खेलने से पहले धोनी ने कप्तानी से संन्यास ले लिया। युवाओं को दिया मौका। उन्होंने ये निर्णय इसलिए लिया ताकि वे युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका दे सके। वो निश्चित रूप के खेल के इतिहास में सबसे सफल भारतीय कप्तान के रूप में याद किए जाएंगे। धोनी की कामयाबियां। धोनी ने अपनी शानदार करियर में कई पड़ावों को पार किया। चलिए जानते हैं धोनी की सफलताओं के बारे में। 2007 में धोनी को आईसीसी टी20 विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया। इस मैच में वो ट्रॉफी के साथ दक्षिण अफ्रीका से लौटे। वनडे और टेस्ट की कप्तानी। बाद में वनडे मैचों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का स्थिति कप्तान बनाया गया, जिसके अगले ही साल वो टेस्ट टीम के कप्तान भी बन गए, क्योंकि अनिल कुंबले घायल थे, जो कि तब तक टीम के उपकप्तान थे। उस सीरीज के बाद कुंबले ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया।
और धोनी भारत के पूर्णकालिक टेस्ट कप्तान बन गए। धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर पहुंच गई। जीत का नाम धोनी। 2009 में श्रीलंका के खिलाफ बनाया गया 726 रनों का स्कोर सबसे अधिकतम टेस्ट स्कोर था। 2011 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप को जीतकर धोनी कपिल देव के बाद विश्व कप जीतने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बने। वो T20 और वनडे जैसे दो आईसीसी विश्व कप को जीतने वाले एकमात्र कप्तान है। कमाल के विकेट कीपर। 17 जनवरी 2008 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई पारी में 5 विकेट लेकर धोनी ऐसा करने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बने। इस तरह का पहला रिकॉर्ड एडम गिलक्रिस्ट के नाम था। लारा का रिकॉर्ड तोड़ा। धोनी बल्लेबाजी में भी काफी अच्छे थे। वनडे की दूसरी पारी में धोनी ने 183 रन बनाए जो कि अब तक का अधिकतम स्कोर है। ब्रेन लारा का 153 रनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। धुआंधार पारी। 183 रनों का पारी में धोनी ने 10 छक्के और 15 चौके लगाकर 120 रन बनाए। ये अब तक की पारी में किसी भी भारतीय द्वारा मारे गए सबसे अधिकतम छक्के और चौके हैं। इस रिकॉर्ड ने धोनी को आईसीसी और एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचा दिया। 2014-15 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अलविदा कहने की घोषणा की। अपने टेस्ट मैचों में धोनी ने कुमार संगकारा के स्टंपिंग 134 का रिकॉर्ड तोड़ा और वे अधिकतम विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने। कप्तान के रूप में धोनी ने टेस्ट मैच में 226 के अधिकतम स्कोर बनाया जबकि सचिन तेंदुलकर अधिकतम स्कोर 217 है। धोनी सबसे सफल भारतीय टेस्ट कप्तान है। उन्होंने 26 टेस्ट जीते हैं। दिग्गजों के साथ लिया जाता है धोनी का नाम। वो दुनिया के तीनों कप्तानों में से एक है जिन्होंने 300 से अधिक एक दिवसीय मैचों में टीम का नेतृत्व किया है। फिलहाल वो रिकी पोंटिंग और स्टीवन फ्लेमिंग के बाद तीसरे स्थान पर है। रिकी पोंटिंग और एलन वाडर के बाद 100 वनडे मैच जीतने वाले वो तीसरे कप्तान है। धोनी का धोनी। कुछ भी कप्तान लंबे समय के लिए अपने टीम में विकेटकीपर के तौर पर बने रहे। इस सूची में गैरी अलेक्जेंडर को पछाड़कर धोनी पहले स्थान पर पहुंचे। इन उपलब्धियों के अलावा धोनी टेस्ट मैचों में अधिकतम स्कोरिंग बनाने वाले एक विकेटकीपर कप्तान है। इन्होंने सिर्फ 114 पारी में अपना 4000 रन पूरा किया। ऐसा करने वाले वो दुनिया के छठे और सबसे कम उम्र वाले खिलाड़ी हैं। विकेटकीपर बोलो धोनी। वो दुनिया के एकमात्र विकेटकीपर हैं जिन्होंने विकेट लिया। सिर्फ एक बल्लेबाज और एक विकेटकीपर के तौर पर ही नहीं बल्कि हमारे कप्तान ने खुद को एक गेंदबाज के रूप में साबित किया है। इन्होंने वेस्टइंडीज के ट्रेविस टेलिन का विकेट लिया था। 2008 में खेला गया इंडियन प्रीमियर लीग में धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बने। पिछले 2 सालों में उन्होंने ट्रॉफी को 2 बार जीता। ऐसा उपलब्धियां हासिल करने वाले वो एकमात्र खिलाड़ी हैं। 2016 IPL में धोनी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के कप्तान बनाए गए। तो गाइज ये था महेंद्र सिंह धोनी का सक्सेस स्टोरी। गाइज वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।